वालेकुम मोदी को उम्मीद करता हूँ बच्चा खैरियत से होंगे, जबकि होंगे इसलिए मैं खैरियत से नहीं हूँ। अगेन बुखार वगैरह आपको मजबूर मई खानी पड़ी तो अलहमदिल्ला थोड़ा सा बेटर हुआ हूँ और अभी जा रहा हूँ बैंक। और सभी आके अभी निबेड़ में है थोड़े से काम बहुत पेंडिंग पड़ेगा फिलहाल। बैंक से ताकि थोड़ा सा स्यापा तो मुझे यार, तो यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो डॉक्टर से दवाई लेके आए हैं वो। और बस एक्चुअली आज कुछ लॉक बाकी इसलिए नहीं बन सका क्योंकि जब मैं घर आया मतलब जब फैक्ट्री से निकला हूँ तो आगे पीछे बैंक शैंक गया हूँ, अकाउंट खुलवाना था तो लेटर पैड बनवाना था, आगे पीछे काम करने थे तो उनमें फंसा रहा हूँ। बैंक की टाइमिंग भी खैर से 2 बजे तक की थी तो उसकी वजह से भागम दौड़ काफ़ी लगी थी। देन फैक्ट्री में थोड़ा सा काम किया, वहाँ से निकला हूँ तो सर दर्द बहुत थी, घर आके फिर सो गया अफ्तारी की। उसके बाद से बस कह लो कि नमाज पढ़ी है मगरिब की एंड देन फिर बस दादू जान की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि बस पूछो ही मत। मैं फिर डॉक्टर के पास लेके गए और बस कह लो कि 3 घंटों बाद हम आए हैं घर। ढाई घंटे तो लग ही गए, 3 घंटे बाद हम घर आए हैं और वो भी अभी उनका ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं था और लो ही था। और बस मेरी भी कुछ तबीयत नहीं थी ठीक, फिर लोग श्लोक को इतना खास नहीं बनाया। बाकी यार अभी जो है फिलहाल सर दर्द हो रही है, अगेन सोने लगा, मेडिसिन सारी टाइम ही खाऊंगा। तो खैर यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा दबा देना, खैर जो भी है। बाकी जिंदगी रही तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, दो में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।